नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। ये टॉप 50 एमसीक्यूज का हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं जनवरी से लेकर जुलाई 2022 का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे पेड ग्रुप का कुछ लिंक है जो कि आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, इस पर कॉल करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर जागरूकता के लिए हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 22 मई। 22 मई को यह मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैव विविधता जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आधारशिला होती है, सब लोग जानते हैं। बायोडायवर्सिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। अच्छा, 2022 का थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना, बिल्डिंग अ कॉमन फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो दिवस है इसकी पहल 90 के दशक में की गई थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो है साल 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। कहां? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। पृथ्वी सम्मेलन बराबर पूछा जाता है कि कब आयोजित किया गया था, 1992 में। कहां आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, याद रखिएगा, ठीक है। और उस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया था, बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में वह सम्मेलन था। और उसी के अगले वर्ष 1993 को 29 दिसंबर को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया था। लेकिन इसका डेट कब चेंज हुआ? 2001 से यह जो है हर साल 22 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर फॉर व्हिच डिसिप्लिन्स, रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स, किस फील्ड के? तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया यानी कि जैव प्रौद्योगिकी हो गया, जैव प्रौद्योगिकी, स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, एडुकेशन यानी कि शिक्षा, और इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये भी जो है आपका जैव प्रौद्योगिकी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एकल राष्ट्रीय पोर्टल है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल इसका पूरा नाम है, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, बायो आर रैप, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या करेगा? डिफरेंट टाइप्स के जो अप्रूवल्स होते हैं जैव अनुसंधान, जैविक अनुसंधान के संबंध में जितने तरह के अप्रूवल होते हैं वो सारे अप्रूवल्स एक ही इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, इसीलिए इसको सिंगल प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए, भारत जो है वो एक वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और 2025 तक दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और आगे देखें तो वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का योगदान 2017 में केवल 3% था, ठीक है, 17 में कितना था? 3%, जो 2025 तक बढ़कर कितना परसेंट होने का अनुमान है? 19% होने का अनुमान है। तो यदि मेंस में भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, लिखिएगा तो ज्यादा नंबर आएगा आपको। आगे देख लेते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा देश में अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े हुए इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए
नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां किया गया। वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 इनॉग्रेटेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रिसर्च स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द कंट्री। तो IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT इम्फाल या फिर IIT दिल्ली, आंसर क्या हो जाएगा? IIT गुवाहाटी नॉर्थ ईस्टर्न का है, तो यहाँ पर गुवाहाटी हो सकता है या फिर इम्फाल हो सकता है, तो गुवाहाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने क्या किया है, IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च इनक्लेव कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। यह कॉन्क्लेव क्या करेगा, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और संसाधन संपन्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा देश में अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े हुए इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करेगा। द कॉन्क्लेव विल स्ट्रेंथन लिंकेजेस बिटवीन द इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड द पॉलिसी मेकर्स एंड फर्दर स्ट्रेंथन द रिसर्च, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द सो रिसोर्स रिच नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें यह जो है डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैव विविधता से जुड़े हुए, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, उनको क्या करेगा, एक साथ लेकर के आएगा। ठीक है, और एक इकोसिस्टम बनाएगा। सरकार NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिफारिशों के अनुरूप 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यह कितने करोड़ का होगा, 50,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो है आपका NEP 2020 के अंतर्गत है। ठीक है, असम सरकार IIT गुवाहाटी के बीच में एक MOU भी साइन हुआ है जिसका नाम है असम एडवांस्ड हेल्थ इनोवेशन इंस्टीट्यूट, इसके तहत जो है MOU के तहत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हस्ताक्षर किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निकहत जरीन ने कहां आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीत लिया है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि निकहत जरीन ने क्या जीता है, स्वर्ण जीता है, किसमें जीता है, महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है। ठीक है, और आयोजन कहां हुआ था, दुबई, भारत, इस्तांबुल या फिर अंकारा। तो यह जो है आपका तुर्की में इस्तांबुल में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। तुर्की का अभी नाम क्या हो गया है, तुर्कीय हो गया है। ठीक है, तुर्की को अब क्या कहा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में तुर्कीय कहा जाएगा, यह याद रखिएगा। ठीक है, तुर्की अब का नाम बदल के तुर्कीय हो गया है, यह भी लेटेस्ट न्यूज है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत की निकहत जरीन है जिन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में, ये याद रखिएगा, 52 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फ्लाइवेट मुकाबले में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस पर इन्होंने जीत हासिल की है और टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले MC मैरी कॉम ने अलग अलग वर्षों में जीता है खिताब, लेटेस्ट जो है उनका था 2018 में था, और इसके अलावा 2006 में सरिता देवी भी जीती हैं। इसके अलावा जेनी आरएल और लेखा केसी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था 2006 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निकहत जरीन का नाम याद रखिएगा, पहली विश्व वानिकी कांग्रेस तो 1926 में कहां आयोजित की गई थी, क्योंकि हाल ही में आयोजित हुआ है वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस, इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और ब्रिटेन है। कहां पर आयोजित हुआ था 1926 में, इटली में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व वानिकी कांग्रेस कब आयोजित हुआ था, 1926 में, कहां आयोजित हुआ था, इटली में आयोजित हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में, अच्छा इस बार कहां हुआ है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ है 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस। ठीक है, जिसमें सियोल वन घोषणा को अपनाया गया, सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन एडॉप्टेड इन द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन सियोल साउथ कोरिया, याद रखिएगा। 2022 का थीम क्या है, वनों के साथ एक हरे, स्वस्थ और अनुकूलित भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट्स। ठीक है, और यह एशिया में आयोजित होने वाली दूसरी विश्व वानिकी कांग्रेस है। इससे पहले एशिया में कब आयोजित हुआ था, 1978 में आयोजित हुआ था, कहां पर, इंडोनेशिया में, तो याद रखिएगा। और यह जो है आपका लगभग हर 6 साल पर आयोजित होता है, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। इसके अलावा वर्ष 1954 से खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा मेजबान देशों को मदद की जा रही है, तो यह भी याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसमें दो तरह का पहल अपनाया गया, पहला है आपका सेफ पहल जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनिंग एंड
एबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और दूसरा है आपका एफर्म तंत्र। एफर्म का फुल फॉर्म है एश्योरिंग द फ्यूचर फॉर फॉरेस्ट विद इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध वास्तुकला के हीन यान संप्रदाय से संबंधित कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में अनेक पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि कन्हेरी गुफाएं जो है वो हीन यान संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध वास्तुकला के। ठीक है, और इसका लोकार्पण कहाँ किया गया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो कन्हेरी गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है, वहीं पर इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का चलिए देख लेते हैं। मुंबई के पश्चिमी बाहरी इलाके में पूर्ववर्ती सालसेट द्वीप है, जहां पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में यह गुफा स्थित है, कन्हेरी गुफा। वहीं पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। दूसरी से नौवीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि के इतिहास की जानकारी का यह बहुत अच्छा स्रोत है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड फ्रॉम सेकेंड टू नाइन्थ सेंचुरी एडी। गुफाओं की संख्या कितनी है, लगभग 100 है। ठीक है, और कन्हेरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है, फाहियान ने किया है। ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ कन्हेरी वाज बाय फाहियान, जो कि 399 से लेकर 411 एडी तक भारत में रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्षा मंत्री ने कहा, दो स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्ध पोतों INS सूरत, जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS उदयगिरी, जो कि स्टेल्थ फ्रिगेट है, इन दोनों का जलावतरण किया है। Where did the Defence Minister commission two indigenous frontline warships, INS Surat and INS Udayagiri? Majgaon, Vishakhapatnam, Goa या फिर सूरत। तो ये जो है आपका मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, मजगांव। चलिए देख लेते हैं, रक्षा मंत्री ने मुंबई में दो स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों INS सूरत और INS उदयगिरी का जलावतरण किया, जिसमें INS सूरत जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और INS उदयगिरी जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, INS सूरत जो है वो P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि INS उदयगिरी जो है वो P-17A क्लास से रिलेट करता है और ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, दोनों युद्धपोतों को नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा डिजाइन किया गया है और MDL मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया है याद रखिएगा, और किसके द्वारा डिजाइन किया गया है ये भी याद रखिएगा कि डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा DND के द्वारा इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के जहाज और भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिन्हें MDL में बनाया जा रहा है, वही मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है, जो हथियार प्रखर P-15A जो कि कोलकाता क्लास का हुआ करता था, उसका फॉलो ऑन क्लास है। तो पहले जो P-15A हुआ करता था, कोलकाता क्लास हुआ करता था, वही अब जो है एडवांस्ड रूप में P-15B श्रेणी में आ गया है। ठीक है, और ये जो है आपका P-17A फ्रिगेट युद्धपोत जो है वो पहले क्या हुआ करता था, P-17 हुआ करता था, शिवालिक क्लास, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है उन्नत हथियार है, एडवांस्ड जो आपके वेपन्स हैं वो है, सेंसर्स हैं, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम एटसेट्रा है, बहुत सारे एडवांस्ड फीचर इसमें दिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेलवे के किस जोन ने हाल ही में बैटरी से चलने वाला नवदूत ड्यूअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। विच रेलवे जोन हैज रिसेंटली डेवलप्ड बैटरी ऑपरेटेड नवदूत ड्यूअल मोड लोकोमोटिव। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ऐसा किया है, नवदूत का मतलब परीक्षण किया है, एक तरह से कह सकते हैं बनाया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड संटिंग लोकोमोटिव बनाया है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया, जबलपुर मंडल के स्टेशनों पर किया जा रहा है। ये ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 डिब्बों को खींच सकते हैं, और इसमें बैटरी कितनी लगाई गई है, 84 बैटरी लगाई गई है, और यह 400 टन का वजन खींच सकती है, याद रखिएगा जरूर। और इसे न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ न्यू कटनी जंक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में गठित भारतीय कपास परिषद में किन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो सुरेश भाई कोटक होंगे, जो कि बहुत अच्छे, बहुत बड़े कपास के व्यापारी हैं। ठीक है, अब इसमें किस किस मंत्रालय का होगा प्रतिनिधित्व, वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर तीनों का,
तो इसमें हो जाएगा तीनों मंत्रालयों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, बाकी वित्त मंत्रालय भी है। आगे देखते हैं कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वस्त्र मंत्रालय है इसमें, कृषि मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है और भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान, इन सब का इसमें रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। ठीक है, केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जो है एक वयोवृद्ध कपास व्यापारी हैं श्री सुरेश भाई कोटक, उनकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड बाय, इसके द्वारा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसको बनाया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फिनांस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, बीएनसी बोथ। तो ये जो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिससे सरकार को देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह दी जा सके। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज कंस्टिट्यूटेड द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन मेजर्स नीडेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। मतलब इकोसिस्टम एक तैयार किया जाएगा और उसे पोषित किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा, ताकि इनोवेशन यानी कि नवाचार और स्टार्टअप जो है देश में वो अच्छे से विकसित हो सके। ठीक है, और श्री पीयूष गोयल ने डिजिटल आत्मनिर्भरता के तहत जियो पोजिशनिंग समाधान के लिए नाविक को प्रोत्साहन देने हेतु नाविक ग्रैंड चैलेंज को भी शुरू किया है। नाविक जो है हमारा देसी जीपीएस सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसी तरीके से हमारा देसी जो है जीपीएस वो है नाविक। ठीक है, बहुत सारे फोन में इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए नाविक ग्रैंड चैलेंज का भी शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्री होते हैं, जो कि आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं, किस राज्य में स्थित रामगढ़ टाइगर रिजर्व को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 52 है, और यह कहां स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो यह जो है आपका राजस्थान के बूंदी जिला में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के बूंदी जिला में स्थित है यह आपका रामगढ़। चलिए देख लेते हैं, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ टाइगर रिजर्व को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधान के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सिद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो किसी को भी टाइगर रिजर्व अगर बनाना है तो कौन अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार है, वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और किस एक्ट के तहत बनाया जाता है, तो सेक्शन 38 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत बनाया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो चीतल है, सियार है, सांभर है, नीलगाय, भालू, हाइना, जंगली बिल्लियों के अलावा सांप, लंगूर, मगरमच्छ समेत तकरीबन 500 तरह के जंगली जीव रामगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया? तो चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर दिल्ली? आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का, NCFL। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, हैदराबाद में किया गया ये तो आपको बताया मैंने, हैदराबाद में CFSL परिसर में यह बनाया गया है। ठीक है, साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL, तो परिसर का क्या नाम है, CFSL परिसर का नाम है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL, और इसी के कैंपस में हैदराबाद में यह बनाया गया है आपका नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। ठीक, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो साइबर अपराध होता है उससे बचने के लिए यह प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है और CFSL को इस परियोजना के लिए 35,51,00,000 रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, तो खर्च कितना आया है वो भी याद रखिएगा। भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है।
यह टूर्नामेंट किस वर्ष से खेला जा रहा है इसके इतिहास के बारे में जानकारी होना जरूरी है। 1939, 1949, 1959 या फिर 1969 आंसर क्या हो जाएगा 1949। यह जो है 1949 से खेला जा रहा है थॉमस कप, ठीक है, और भारत पहली बार यह जीता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में 73 साल के इतिहास में, अभी से देखिएगा आप 1949 से तो 73 साल हो गया और इसके इतिहास में भारत पहली बार यह थॉमस कप जीता है। किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया को हराकर, जो कि 14 बार खिताब को जीत चुका है। 3-0 से इंडोनेशिया को हराया भारत ने। टूर्नामेंट जो है वो 1949 से खेला जा रहा है। भारत छठी टीम है जिसने यह टूर्नामेंट जीता है। थॉमस कप में 16 टीमें भाग लेती हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और 1982 के बाद से इसे हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और इसको ये थॉमस कप किसके नाम पर है? तो सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर यह थॉमस कप का आयोजन किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बैडमिंटन के क्षेत्र में यह कप, मतलब यह प्रतियोगिता कराने का विचार दिया था, ठीक है, सर जॉर्ज एलन थॉमस। जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जो कि जैविक कचरे से चलेगा, मतलब कि किस चीज से चलेगा? ऑर्गेनिक वेस्ट पर चलेगा। तो यह दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर मुंबई, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुंबई में स्थापित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अब देख लेते हैं मुंबई में कहाँ किया गया है, तो हाजी अली के पास, मुंबई में हाजी अली के पास यह स्थापित किया गया है, जो कि बायोगैस से चलेगा, ठीक है। और इसको बृहन मुंबई नगर निगम और एरो केयर के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, ठीक है। देश में पहली अपने तरह की पहली योजना है, जो कि वेस्ट फूड का उपयोग करके और उसको एनर्जी में क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इससे 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी। एनर्जी प्रोडक्शन कितना होगा? 220 यूनिट। और यह जो है स्ट्रीट लाइट्स को भी एनर्जी देगा, ठीक है, और इससे लगभग 80 से 110 क्यूबिक मीटर गैस भी प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजीव कुमार ने हाल ही में भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 23वां, 24वां, 25वां या फिर 26वां? इसको याद रखना आसान है, 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है राजीव कुमार ने, ठीक है, उनको नियुक्त किया गया। चलिए अब इस इनका जो होता है नियुक्ति जो होता है वो अनुच्छेद 324 क के खंड 2 के तहत किया जाता है। तो 324A आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। 15 मई 2022 से 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है इनको, और इससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे, ठीक है, और इनका कार्यकाल 14 मई को पूरा हो गया, ठीक है। राजीव कुमार जो है वो झारखंड कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, और उन्होंने 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त का पद भार संभाला था, ठीक है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही होते हैं, चुनाव आयुक्त दो होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था, और उससे पहले जो है वो उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अप्रैल 2020 में PESB के अध्यक्ष भी बन चुके थे, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो 6 साल के लिए होता है या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। या तो 6 साल काम का पूरा हो जाए या फिर 65 साल का एज जो है उनका वो पहले आ जाए, तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है, वो किस लिए मनाया जाता है? तो 1998 में जो पोखरण में परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसकी याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई, 22 मई, 21 जून या फिर 22 जून? तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई, 11th of May को यह हर एक साल मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1998 में इसी दिन 11 मई को परीक्षण किया गया था। फोकस 2022 का जो ये दिवस है, टेक्नोलॉजी डे, उसका विषय क्या है, फोकस क्या होगा? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। पहली बार कब मनाया गया था? 11 मई 1999 को मनाया गया था। 98 में परीक्षण हुआ था और 99 से यह मनाया जाने लगा था। और इस दिवस का नाम किसने रखा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। 98 में उन्हीं के शासनकाल में परीक्षण हुआ था पोखरण में। अच्छा, मई 1974 में पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था, जिसमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था उसको, ठीक है। और 98 में जो परीक्षण हुआ था 11 मई को पोखरण 2 में, इसमें शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया था, याद रखिएगा। और उसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल, जो कि सतह से हवा में कम दूरी
तक मार करने वाली मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया था और साथ में जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है हंसा 3 उसका भी टेस्ट फायर किया गया था। ठीक है, इसको भी टेस्ट किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई के दौरान कहा 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। तो यह जो है ऑर्नामेंट्स बनाने का फैक्ट्री है, ज्वेलरी फैक्ट्री कह सकते हैं इसको। ज्वेलरी फैक्ट्री कहां पर खोजा है ASI ने, तो राखीगढ़ी, लोथल, बानावली या फिर कोई नहीं। ये सभी जो है आपका सिंधु सभ्यता के स्थल है, ये याद रखिएगा। सभी आप जानते ही होंगे, राखीगढ़ी हरियाणा में है, लोथल जो है गुजरात में है, और बानावली कहाँ है ये जरा कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, यदि आपने पढ़ा है आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के कहाँ है, हिसार में, हरियाणा के हिसार में। तो हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है। यह फैक्ट्री 5000 साल पुरानी है। 32 सालों से यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई कर रहा है और खुदाई में सील मिला है, सोना मिला है, साथ में मिट्टी की चूड़ियां मिली है और भी बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण सामान मिले हैं। जो सील पाई गई है उसमें हड़प्पा काल में प्रयोग होने वाली लिपि भी लिखी है, जिसको क्या कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। ठीक है, जिसको कि पढ़ा नहीं गया है, हालांकि दावा किया जाता है लेकिन अभी इसको पढ़ा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक लिपि इसको कहा जाता है। हिसार के राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग ने 7000 साल पुराने शहर की भी खोज की है और उस समय की मकानों की डिजाइन भी मिली है यहाँ पर और किचन के स्ट्रक्चर भी इनमें पाए गए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अकादमिक जगत के लोगों को गहन तकनीक वाले उत्पाद बनाने के लिए एम प्राइम प्लेबुक किससे संबंधित है, व्हाट इज द एम प्राइम प्लेबुक फॉर हेल्पिंग एकेडमिया बिल्ड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन या फिर BRC दोनों। तो नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन से यह संबंधित है, इसलिए क्या हो जाएगा, BC बोथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने अकादमिक जगत के लोगों के लिए गहन तकनीक वाले उत्पाद बनाने हेतु एम प्राइम प्लेबुक जारी किया है। अटल नवाचार मिशन के एम प्राइम कार्यक्रम के तहत शामिल समूह ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हासिल किया है और अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग ने एम प्राइम कार्यक्रम को शुरू किया था जिसे वेंचर सेंटर पुणे लागू कर रहा था। तो कौन लागू कर रहा था, वेंचर सेंटर पुणे लागू कर रहा था, जबकि बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वह इसका इसको सहायता दे रही थी और साथ में प्रमुख जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एम प्राइम जो है वो नवोन्मेष बाजार के लिए तैयारी और उद्यमशीलता में शोध के लिए कार्यक्रम है। ठीक है, प्रोग्राम फॉर एम प्राइम का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यह प्रोग्राम का पूरा एम प्राइम का पूरा आपका फुल फॉर्म मैंने बताया। तो एम प्राइम कार्यक्रम जो है वो शुरुआती स्तर के वैज्ञानिक आधार वाले तकनीकी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था और यह प्रोत्साहन 12 महीने तक एक मिश्रित पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण और दिशा निर्देश देकर किया जाना है। एम प्राइम प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू इनकरेज साइंटिफिकली ग्राउंडेड टेक्नोलॉजिकल आइडियाज एट द बिगिनिंग लेवल। This incentive was to be given through a blended curriculum for 12 months with training and guidance. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। Next question क्या है? सिंथिया रोसनेज वेग को हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंथिया रोसनेज वेग has recently been awarded the World Food Prize. Dr. M.S. Swaminathan को यह पुरस्कार कब दिया गया था, यह क्वेश्चन है कि इस साल तो आपका दिया गया है सिंथिया रोसनेज वेग को, एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1967, 77, 87 या फिर 97। तो यह जो है आपका 87 में दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को, जिनको कि क्या कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है यह किसने शुरू करवाया था, तो नॉर्मन ई. बोरलॉग ने यह शुरू करवाया था। ठीक है, जिनको कि दुनिया भर में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। सिंथिया रोसनेज वेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडल के लिए $250,000 का यह पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार कितने का दिया गया, $250,000 का, और किस लिए दिया गया, तो जो भी आपका खाद्य का उत्पादन होता है
जो फूड प्रोडक्शन होता है उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो सकता है, इस पर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, इसी कारण से उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यह जो है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो इसमें है आपका प्लांट है, एनिमल है, एनिमल एंड सॉयल साइंस है, फूड साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और जितने भी एरियाज हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड फूड सप्लाई, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन है, रूरल डेवलपमेंट है, ये सब में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है परिकल्पना किसने की थी, हाइपोथेसिस किसका था, तो 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा 1986 में इसकी परिकल्पना की गई थी। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था, 1970 में, ये भी याद रखिएगा, और 86 में परिकल्पना की गई, और 1987 में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था, दुनिया भर में सबसे पहले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है। नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद, तो ये जो है आपका बेंगलुरु में किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने हैदराबाद में देखा था, स्थापित किया गया था, इस बार नेट ग्रिड की स्थापना कहाँ की गई है, बेंगलुरु में की गई है। ठीक है, उद्घाटन दोनों का किसने किया, अमित शाह जी ने ही किया। नेट ग्रिड सॉल्यूशन की सेवाएं 11 केंद्रीय एजेंसियों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को उपलब्ध होगी। नेट ग्रिड आखिर है क्या, तो डिफरेंट टाइप का, जो जैसे कोई भी क्रिमिनल है उसको पकड़ना है तो उसके बारे में सारा डाटाबेस पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, उसका आईडी क्या है, किस जगह पर वर्तमान में है, उसके बारे में ए टू जेड जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह नेट ग्रिड सॉल्यूशन विकसित किया गया है। ठीक है, जिससे जितने भी हमारे एजेंसीज हैं जो कि सुरक्षा का काम करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, या फिर ईडी हो, आईबी हो, इन सब को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, किसी भी क्रिमिनल के बारे में सारा डाटाबेस इसमें इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इसी के लिए नेट ग्रिड बनाया गया है। इसमें यदि हम लोग देखें तो इट विल लिंक यूजर एजेंसीज विद डाटा होल्डर्स, गिविंग देम एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इससे जो है इंटेलिजेंस सर्विस में मदद मिलेगी और साथ में इन्वेस्टिगेशन में भी मदद मिलेगा। और नेट ग्रिड के डेवलपमेंट के लिए सीटेक पुणे जो है वह टेक्नोलॉजी पार्टनर है, और आईआईटी भिलाई जो है वो प्लान मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ये याद रखिएगा जरूर। ठीक है, कि सीटेक जो है वो टेक्नोलॉजी पार्टनर है और आईआईटी भिलाई जो है वो प्लान मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। 2010 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा 3400 करोड़ रुपए की नेट ग्रिड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। तो याद रखिएगा कि नेट ग्रिड पर कितना खर्चा किया जा रहा है, 3400 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है, और मंजूरी कब दिया गया, 2010 में ही दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या रैंक है। तो सबसे पहले तो ये कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नाम का एक संगठन है उसके द्वारा किया जाता है। 140 रैंक है, 150, 160, 170, ये भी याद रखना आसान है क्योंकि 150वां रैंक भारत का हो गया है इस साल। ठीक है, 2022 के रिपोर्ट में 180 देशों का आकलन किया गया, पत्रकारिता की स्थिति का आकलन। भारत की रैंकिंग 150 है 180 देशों में। पिछले साल जो है भारत 142वें नंबर पर था, तो स्थिति भारत की खराब हो गई है, 8 अंक पीछे चला गया भारत, 8 स्थान। नॉर्वे जो है वो दुनिया भर में प्रथम है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर स्वीडन है, चौथे नंबर पर एस्टोनिया है, और फिनलैंड जो है वो पांचवें स्थान पर है, और उत्तर कोरिया का स्थान सबसे नीचे है, 180वां स्थान। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150। चलिए आगे देख लेते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC के दूसरे संस्करण के चरण एक में 7 क्षेत्रों की 18 चुनौतियों का सामना करना है, ये इन क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है। फेज वन ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC 2.0 विल हैव 18 चैलेंजेस फ्रॉम 7 सेक्टर्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज सेक्टर्स। तो ई मोबिलिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रोड ट्रांसपोर्ट या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, रक्षा प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है। इस बार डिफेंस टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्र कौन कौन से हैं वो जरा सा देख लेते हैं। तो ई मोबिलिटी यानी कि ई गतिशीलता है, उसके बाद सड़क परिवहन है यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट है, और रोड ट्रांसपोर्ट जो है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की साझेदारी में है। तीसरा है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, और इसके लिए पार्टनरशिप किसके साथ होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो के साथ पार्टनरशिप होगा। नेक्स्ट है स्वच्छता
प्रौद्योगिकी यानी कि सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की साझेदारी में आयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका चिकित्सा उपकरण यानी कि मेडिकल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट्स, और उसके बाद है कचरा प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, और फिर है कृषि। तो ये 7 क्षेत्र जो है इनसे संबंधित 18 चुनौतियों पर काम किया जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों की तलाश करना, चयन करना, समर्थन करना और पोषण करना, ठीक है। द प्रोग्राम एम्स टू सीक, सेलेक्ट, सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन दैट सॉल्व सेक्टोरल चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोसाइटल रिलेवेंस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को किसकी मेजबानी में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किसने उद्घाटन किया, 29 अप्रैल को किया नरेंद्र मोदी जी ने किया, कितने दिवस का था ये, तो 3 दिवसीय था, और नाम क्या था, सेमिकॉन इंडिया 2022, और इसका उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर निर्माण हब के रूप में भारत को पहचान दिलाना, ठीक है। अब इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, राजकोट, आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन सेमिकॉन इंडिया 2022 का आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण एवं नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए किया जा रहा है। थीम क्या थी, तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन, ये जो है आपका थीम था इस सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि जिस दिन आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी उसी दिन, मतलब 30 अप्रैल को हुई थी, और उसी दिन जो है यह मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, इसलिए यह जरूरी है। 2017, 2018, 2019, 2020 आंसर क्या हो जाएगा, 2018 में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। कहां से की गई थी, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई थी, किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और यह महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जिसके तहत जो लो इनकम वाले लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है, उसके हरेक परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क दी जाती है, ठीक है, फ्री दी जाती है, ठीक, याद रखिएगा। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक, 2018 में शुरुआत हुई थी। चलिए, केंद्र सरकार हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है, या किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, क्यों, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसीलिए यह घोषणा की गई है, ठीक है, तो यह कंट्रोवर्सी में भी रहा है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हट्टी समुदाय, और हट्टी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाजार में बहुत सारा सामान ये लोग बेचते हैं, इसीलिए हाट समझते ना, हाट बाजार, तो हाट से बन गया हट्टी, ठीक है। इनको आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया जाएगा, 1967 से ही जो है इनको जनजातीय दर्जा देने की बात चल रही है, और ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको गिरिपार क्षेत्र कहते हैं, जो कि आपका गिरी और टोंस नदी के बीच है, ये गिरी और टोंस नदी दोनों जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है ट्रांस गिरी या फिर गिरिपार क्षेत्र, इसी क्षेत्र में हट्टी समुदाय रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों हट्टी कहा जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि हाट के कारण इनको हट्टी कहा जाता है, क्योंकि हाट में ये सामान बेचते हैं। हाल ही में राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन आधारित LPV संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक हल्का परीक्षण किया गया, इसका विकास किसने किया, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि गगन का परीक्षण किया गया है, ठीक है, कहां किया गया है, मतलब इसका विकास किसने किया है, इसका विकास किया है भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने, या फिर इसरो ने, या फिर DRDO ने, या फिर ए और बी दोनों ने, तो इसका विकास जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों ने मिलकर के किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की है, मतलब कि जो आपका परीक्षण है ये किया है, ठीक है, गगन का। गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है जिसे AAI और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। अब इस तरह का प्रणाली दुनिया भर में कितना है, टोटल 4 है, ठीक है, तो सबका नाम जान लीजिए, इंडिया का तो गगन है ये हम लोगों ने देखा ही है, अमेरिका का है WAAS,
यूरोप का है एग्नोस EGNOS और जापान का जो है उसका नाम है MSAS। तो ये चारों का नाम याद रखिएगा कि कौन कहाँ का है, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिए गगन प्रणाली विकसित की गई है और LPV पद्धति से उन हवाई जहाजों हवाई अड्डों पर उतरना संभव हो जाएगा जहां पर विमान उतरने की महंगी प्रणाली नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है। जब विमान लैंड होता है उस समय अगर विजिबिलिटी बहुत कम है, मतलब आगे बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समय इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से लाइट विभिन्न लाइट्स के माध्यम से लैंडिंग कराई जाती है और बहुत महंगा प्रणाली होता है तो उसी का विकल्प है, ठीक है गगन। 25 अप्रैल 2022 को उन्नत भारत अभियान 2.0 ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी यह क्वेश्चन है, 2014, 15, 16 या फिर 18। आंसर क्या हो जाएगा 2018 में उन्नत भारत अभियान 2.0 का शुरुआत किया गया था, ठीक है, और 4 साल इसका पूरा हो गया। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं 2022 चल रहा है तो 4 साल पहले यानी कि 2018। तो इसी दिन जो है 2018 में ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से UVA यानी कि उन्नत भारत अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया था। उन्नत भारत अभियान जो है वो शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है, यह याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका किस मंत्रालय का कार्यक्रम है, शिक्षा मंत्रालय का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांवों के समूह से जोड़ा जाएगा ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार का उपयोग करके इन ग्राम समुदायों में आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सके। मतलब कि एक तरह समझिए कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो 5 गांवों को गोद ले लेंगे और वहां पर जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगा या फिर सोशल प्रॉब्लम होगा उनमें उनका मदद करेंगे, ठीक है, ये संस्थान जो है वो मदद करेंगे। इनका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने में उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों को शामिल करना है, ठीक है, ताकि वो अपने अनुभवों का लाभ दे सके इन गांवों को। वर्तमान में इस योजना के तहत 748 संस्थान जो है वो भाग ले रहे हैं और योजना के चरण दो में 605 संस्थानों का चयन किया गया है, ठीक है। इसमें से 313 तकनीकी संस्थान है और 292 जो है वो गैर तकनीकी संस्थान है, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा। अब इसका निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कोई नहीं, तो कोई तो होगा ही, तो इसलिए डी तो हो ही नहीं सकता। ये आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने मालचा महल का निर्माण कराया था, शिकारगाह के रूप में इसका महल का निर्माण कराया था। इसको भूताहा महल भी कहा जाता है जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है, सरदार पटेल मार्ग पर, ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर स्थित है, भूताहा महल है, मालचा महल इसका नाम, ठीक है। 700 साल पहले 1325 ईस्वी में शिकारगाह के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। 1985 में भारत सरकार ने इस महल को बेगम विलायत महल को दे दिया था, जो अपने आप को जोड़ती हैं तुगलक डायनेस्टी और फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। यह अवध की बेगम है, ठीक है, अवध की बेगम है, अवध के राज घराने से भी अपने आप को जोड़ती है, ठीक है, तो इनको दे दिया गया था विलायत महल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एटा 70, गौतम बुद्ध नगर 75, रामपुर 75 या फिर फैजाबाद 70। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है, तो रामपुर में किया गया है, और टोटल कितना बनाया जाएगा, तो प्रत्येक जिले में 75 ऐसे सरोवर, अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, रामपुर जिले के शाहबाद तहसील के पटवाई नामक पंचायत में, ग्राम पंचायत में यह बनाया गया अमृत सरोवर, और 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर एक जिले में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस OTT प्लेटफॉर्म के सहयोग से आजादी की अमृत कहानियां नामक पहल के तहत लघु वीडियो सीरीज जारी की है। इन कोलेबोरेशन विद फिश OTT प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज रिलीज्ड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोज अंडर द इनिशिएटिव आजादी की अमृत कहानियां। Amazon प्राइम, Netflix, Hotstar, Airtel Stream, चारों का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सब्सक्रिप्शन भी होगा बहुत सारे लोगों के पास, तो Netflix के साथ यह समझौता किया गया है, OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और Netflix ने प्रेरक लघु वीडियो आजादी की अमृत कहानियां बनाने के लिए हाथ मिलाया है। Netflix और मंत्रालय भारत में
पोस्ट प्रोडक्शन VFX एनिमेशन म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए क्रिएटिव इकोसिस्टम विकसित करने के लिए भी पार्टनरशिप करेगा। नेटफ्लिक्स महिला सशक्तिकरण पर्यावरण और सतत विकास के महत्व के अन्य विषयों सहित 25 वीडियो तैयार करेगा। नेटफ्लिक्स विल बी प्रोड्यूसिंग 25 वीडियोज ऑन थीम्स इंक्लूडिंग वुमेन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर डेज ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अलग अलग दिवस जो है उन पर भी वीडियो बनाएगा। ये सिंगल कॉलम पियर्स पर समर्थित मेट्रो रेल और फ्लाईओवर हाईवे के साथ सबसे लंबे डबल डेकर मार्ग सेतु 3.414 किलोमीटर का जो है इसका निर्माण करके कहां पर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। वेयर वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज विद मेट्रो रेल एंड फ्लाईओवर हाईवे सपोर्टेड ऑन सिंगल कॉलम पियर्स। और यह कितने किलोमीटर का है? 3.14 किलोमीटर का है। तो कानपुर, नागपुर, लखनऊ या फिर पुणे, कहां पर बनाया गया? नागपुर में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और निर्माण किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और साथ में महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा मिलकर किया है। ठीक है, तो इसमें मेट्रो भी होगा और हाईवे भी होगा। ठीक है, लंबाई कितना है? 3.14 किलोमीटर है। नागपुर में यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, और सिंगल कॉलम पियर्स पर समर्थित मेट्रो रेल है और साथ में फ्लाईओवर हाईवे भी है। ठीक है, 3.14 किलोमीटर का डबल डेकर मार्ग सेतु पर अधिकतम मेट्रो स्टेशन, 3 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है? विच सिटी गॉट द बेस्ट सिटी अवार्ड इन द स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस? सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, बोथ एंड ए एंड बी। तो इसमें सूरत और इंदौर दोनों को दिया गया है अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सूरत में स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन शुरू हुआ है। तो कहां पर आयोजित हुआ? सूरत में आयोजित हुआ, यह याद रखिएगा। 100 स्मार्ट शहरों ने इसमें भाग लिया है और 2020 के विजेताओं को इसमें सम्मानित किया गया। सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। तो ये भी याद रखना जरूरी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकार के द्वारा वित्त पोषित लगभग 100% परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। तो टोटल वित्त पोषण कितना है? 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। शहरी आउटकम संरचना 2022 मंत्रालय के एकीकृत डाटा पोर्टल AMPL IFI और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आउटपुट आउटकम डैशबोर्ड सहित कई पहलों का शुभारंभ किया गया। सेवरल इनिशिएटिव्स वर लॉन्च्ड इंक्लूडिंग अर्बन आउटकम इंफ्रास्ट्रक्चर 2022, मिनिस्ट्रीज इंटीग्रेटेड डाटा पोर्टल जिसका नाम है AMP एम्पलीफाई कह सकते हैं इसको, सीधा कहें तो एम्पलीफाई, एंड आउटपुट आउटकम डैशबोर्ड फॉर स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहां के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो यह गांधीनगर, राजकोट, दिल्ली या फिर सूरत। आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में छतों पर लगाई गई सोलर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। देश की पहली पोर्टेबल यानी कि आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। मतलब कि एक जगह पर रोशनी नहीं आ रहा है सूरज का, तो दूसरे जगह पर ले जाइए, यही है पोर्टेबल। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाया जा सकता है आसानी से। मंदिर परिसर में 10 फोटोवोल्टाइक पोर्ट सिस्टम की स्थापना में जर्मन विकास एजेंसी, नाम इसका बड़ा अजीब है, नाम छोड़ दीजिए, GIZ, ठीक है, इतना ही याद रखिए, इसने सहायता उपलब्ध कराई है। बहुत ही अजब तरह का नाम है, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से, याद रखना होगा। यह प्रणाली पूरे देश में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत स्थापित की गई है। तो किसकी पहल है ये? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसकी पहल पर यह स्थापित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती पर कहां हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि ऊंचाई कितनी है, 108 फीट। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहां किया? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना की गई है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में।
चारों दिशाओं में चार जो है नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब में जो है आपका स्थापित किया जा रहा है, चार टोटल मूर्ति होगा, ठीक है, हनुमान जी का। और इसमें जो है पहला मूर्ति स्थापित कर दिया गया था कहां पर, हिमाचल प्रदेश में पहला मूर्ति स्थापित किया गया था, शिमला में, ठीक है, 2010 में ही। और उसके बाद दक्षिण में रामेश्वरम में कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका है, वहां पर स्थापित होगा। और पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल में स्थापित होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, उत्तर में कहा शिमला में हिमाचल प्रदेश में, दक्षिण में कहा रामेश्वरम तमिलनाडु, और पूर्व में कहा पश्चिम बंगाल में, और अभी हाल ही में पश्चिम में कहा किया गया तो गुजरात में, ठीक है। 108 फीट ऊंची परियोजना है, ठीक है, प्रतिमा है यह, और परियोजना का क्या नाम है, हनुमान जी चार धाम परियोजना, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्रिएट फॉर इंडिया नाम के किस संगठन ने हाल ही में एक पहल की घोषणा की है, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसरो, डीआरडीओ या फिर सीबीएसई। तो क्रिएट फॉर इंडिया किसकी पहल है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल है, ठीक है, क्रिएट फॉर इंडिया। और अभी जो सीडब्ल्यूजी का आयोजन हो रहा है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा है, उसी में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह पहल घोषित किया है, क्रिएट फॉर इंडिया, ठीक है। चलिए, बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है सीडब्ल्यूजी, 28 जुलाई से शुरू हो चुका है, ठीक है। और इसी के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रमंडल जो खेल हो रहा है उसमें 16 खेलों में 215 सदस्य भाग लेंगे भारत की तरफ से। सीडब्ल्यूजी 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो गेम्स फॉर एवरीवन, मतलब प्रत्येक इंसान के लिए खेल, हर एक सबके लिए खेल। और भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और 1984 में स्थापित किया गया था, भारत का जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, ठीक है, एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है, ठीक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू निर्माण त्वरक कार्यक्रम के तहत किन क्षेत्रों से जुड़े 15 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, 15 स्टार्टअप्स रिलेटेड टू विच सेक्टर्स विल बी प्रमोटेड अंडर द मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय आईआईटी कानपुर। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईआईटी कानपुर के द्वारा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो कार्यक्रम का क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें कितने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, 15। तो तीन क्वेश्चन तो यहाँ पर क्वेश्चन सही बन गया। अब चौथा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से दिया जाएगा 15 स्टार्टअप, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि और तीनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों क्षेत्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि, तीनों क्षेत्रों से 15 स्टार्टअप चुने जाएंगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर एट आईआईटी कानपुर इज लॉन्चिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर जो कि आईआईटी कानपुर में स्थापित है, उसके द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 15 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा, किस सेक्टर से, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। और उनको जो है लेबोरेटरी से लेकर बाजार तक उनका जितना भी प्रोडक्ट है वो तेजी से बिक सके, मतलब कि लेबोरेटरी से बन करके और बाजार तक तुरंत पहुंचे, तुरंत बिक जाए और उचित दाम मिले, इसकी व्यवस्था यह करेगा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो करेगा स्टार्टअप उसको 10 लाख रुपए तक का प्राइज भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, कौन किसने लिखा है, निदा फाजली, मनोज मुंतशिर, फैसल फारूकी या फिर प्रहलाद अग्रवाल। आंसर क्या हो जाएगा, फैसल फारूकी हो जाएगा, जो कि mouthshut.com के संस्थापक है, ठीक है, और सीईओ, ठीक है, याद रखिएगा। फैसल फारूकी कौन है, mouthshut.com के संस्थापक और सीईओ हैं, ठीक है। इन्होंने ही दिलीप कुमार पर लिखा है यह किताब, इन द शैडो ऑफ द लीजेंड दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का निधन हो गया था कब, 7 जुलाई 2021 को हो गया था, और इनकी पहली फिल्म जो थी वो ज्वार भाटा थी, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी, आजादी से पहले, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हाल ही में कहां किया गया, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसका पूरा नाम है MPX का, ठीक है, अरब सागर, दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर या फिर फारस की खाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान सी में आयोजित किया गया, जापान और भारत की नौसेना के बीच, ठीक।
बिल्कुल याद रखिएगा MPX, ठीक है। क्या नाम है? पूरा नाम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, MPX का फुल फॉर्म। और इसमें भारत की तरफ से INS सुकन्या और मरासम क्लास डिस्ट्रॉयर JS समंदर ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो समंदर और सुकन्या याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो दोनों देशों के बीच में आपसी समझ को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में जो है इसके लिए नियमित अभ्यास किया जाता है, समुद्री समूह को मजबूत करने के लिए, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में, ठीक, याद रखिएगा। कहां पर आयोजित किया जाता है? हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो अंतःक्रियाशीलता यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना, ठीक है, और साथ में सुव्यवस्थितता यानी कि स्ट्रीम लाइनिंग करना, और साथ में कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेहतर करना, ठीक है, बेटर करना। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दोनों नौसेना के बीच में चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्री रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने गुजरात में स्थित पोरबंदर के माधवपुर घेर में 5 दिवसीय माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला कब से आयोजित किया जा रहा है? यही क्वेश्चन, ठीक है। तो माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने किया, ठीक है। कहां पर आयोजित होता है यह? तो पोरबंदर गुजरात में आयोजित होता है। अब उद्घाटन यह कब से आयोजित किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है, 2016, 17, 18 या फिर 19? तो यह जो है आपका आयोजित किया जा रहा है 2018 से। किसके द्वारा? वर्ष 2018 से आयोजित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार इसका आयोजन करती है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पवित्र बंधन का उत्सव मनाने के लिए, ठीक है। नाम क्या है मेला का? माधवपुर घेर मेला, याद रखिएगा, गुजरात में पोरबंदर में यह मनाया जाता है। पिनाका MKI रॉकेट प्रणाली तथा पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO और भारतीय सेना के द्वारा कहां किया गया? तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। इसका जो है राजस्थान में परीक्षण किया गया है। कहां पर? पोखरण में। पोखरण में इसका परीक्षण हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा? DRDO और भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। पिनाका MKI जो है वो और अधिक खूबियों के साथ बनाया गया है, जो कि रॉकेट प्रणाली है, EPRS तथा पिनाका एरियल डेनियल मुनिशन रॉकेट प्रणाली, इन दोनों का राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में DRDO और भारतीय सेना के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट प्रणाली को किसने बनाया है? पुणे की आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड ऑर्डिनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और किसके कोलैबोरेशन में यह स्थापित किया, मतलब बनाया गया है? तो हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी और पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, किसका? DRDO का, ठीक है। इसके सहयोग से यह बनाया गया है, इसके कोलैबोरेशन में बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कांगड़ा चाय किस राज्य से जुड़ा हुआ उत्पाद है, जिसे जल्द ही यूरोपीय आयोग से भौगोलिक संकेतक टैग मिलने वाला है? तो इसको GI टैग मिलने वाला है यूरोप से, ठीक है। भारत से पहले ही मिल चुका है, यूरोप से अब मिलेगा कांगड़ा चाय को। कहां से संबंधित है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। असम में चाय जरूर ज्यादा बनता है, लेकिन ये कहां का है? हिमाचल प्रदेश का स्पेशल चाय, ठीक है। तो याद रखिएगा कांगड़ा चाय।
स्थापना तो हुई थी 1991 में हुई थी और देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। या किसको दिया जाता है तो किसी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित कोई भी जो साहित्य कृति होगा जो उत्कृष्ट होगा उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 15,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और जो व्यक्ति होते हैं जिनको पुरस्कार देना है उनका चयन एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। और इसके वर्तमान देविका रंगचारी के द्वारा लिखी गई क्वीन ऑफ फायर उपन्यास में किसकी कहानी का वर्णन है? तो सबसे पहले याद रखिएगा क्वीन ऑफ फायर उपन्यास किसने लिखा है? देविका रंगचारी ने लिखा है। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अवंतिकाबाई या फिर रानी पद्मनी? तो यह जो है रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है कि किस प्रकार से उन्होंने एक सैनिक के रूप में, एक रानी के रूप में और एक राजनेता के रूप में अपनी जीवन यात्रा जी थी। ठीक है, क्वीन ऑफ फायर। और ये जो है देविका रंगचारी बच्चों की लेखिका और इतिहासकार हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका जो अंग्रेजी है वो भी यही है, इंडिया नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यह जो है इसने एक वर्णिका नाम से एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है। ये कहाँ की है यही क्वेश्चन है, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो ये जो है आपका मैसूर में स्थापित किया गया है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका में। ठीक है, वर्णिका याद रखिएगा, स्याही निर्माण इकाई, इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, तो यह जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है यह RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, तो RBI का 100% स्टेक है इसमें। ठीक, उसके बाद यदि देखें तो यह जो है आपका 1500 मीट्रिक टन इसकी उत्पादक क्षमता है वार्षिक। वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता कितनी है? 1500 मीट्रिक टन। और यह जो है इंटेग्लियो इंक का निर्माण करेगा जिससे भारत में बैंक नोट और प्रिंटिंग प्रेस का, बैंक नोट के प्रिंटिंग प्रेस का जितना भी डिमांड होगा स्याही से संबंधित वो सारा पूरा हो सकेगा। ठीक है, और स्याही निर्माण में आत्मनिर्भरता भी आएगी भारत में। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा भारत स्याही निर्माण में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए किस नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फास्टर, पेसर, एक्सपीडाइट और रैपिड, चारों का जो हिंदी में अर्थ होता है वो है तेज। ठीक है, तो इसका नाम है फास्टर, जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है वो है फास्टर, ताकि अदालतों का जो आदेश है वो पक्षकारों के इंटरफेयर के बिना तुरंत ही तेजी में प्रसारित आगे किया जा सके। ठीक है, इसके लिए फास्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, फास्टर नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, फास्टर, FASTER, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और ये किस लिए है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्टर इज टू ट्रांसमिट सिक्योरिटी टू द ऑर्डर्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम दियर पार्टीज। ओके, जैसा मैंने आपको बताया भी, समझाया भी। चलिए, भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 के 20वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? तो यहां से तीन क्वेश्चन बनता है। पहला कि भारत फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, नाम क्या है? वरुण। और 20वां संस्करण का आयोजन 2022 में किया गया, कहां किया गया? बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर या फिर इंडमान सागर? आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। यह जो है हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो अरब सागर में यह आयोजित हुआ। कब से कब तक? 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित हुआ। 1993 में भारत फ्रांस के बीच वरुण की शुरुआत हुई थी और 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया था, इस अभ्यास का नाम। चलिए आगे देख लेते हैं। किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये टेम्पोररी लिस्ट में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, और यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। बीच में मान लिया एक नदी है, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, ये जो है आपका रबर का या फिर अंजीर का जंगल होता है, इधर पेड़ है। ठीक है, और इसका एक जड़ जो है ना वो क्या हुआ कि यहाँ से जड़ जो है इसका बढ़ते बढ़ते नदी को पार करता हुआ या फिर नाले को पार करता हुआ और इस तरफ के जंगल में पहुंच गया। तो ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ से एक ब्रिज के तरह का बन गया है ना, पेड़ का जो तना है
या फिर जर जो है वो ब्रिज के आकार का बन गया, इसी को लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेघालय में है और इसको यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है। ठीक है, अस्थायी रूप से या स्थानीय रूप से इसको जो है जिंकियंग जड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 15 से 20 साल का समय लगता है इसको इस तरह का ब्रिज बनने में और सदियों तक इसकी उम्र होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कब पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया गया था? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, 2016, 17, 18 या फिर 19, तो यह जो है 2018 में शुरू किया गया था, इसलिए अब जो है ये थर्ड पुरस्कार दिया गया है हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, जो कि पूर्व आपके राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति। तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत गंगा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा यह शुरू किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है हाल ही में और साथ में कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभारंभ किया गया है। शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी जल पुरस्कार की। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्राइज, राजस्थान को सेकेंड और तमिलनाडु को थर्ड प्राइज प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ आंकड़ा है कि भारत में पानी की जो वर्तमान आवश्यकता है वो कितनी है, 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, और 2050 तक यह जो है आवश्यकता बढ़कर के हो जाएगी 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पानी से संबंधित कोई भी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के बाहर कहां अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो ये पहली बार होगा जब कोई IIT जो है वो देश के बाहर अपना एक ब्रांच खोलने वाला है। ठीक है, कहां पर खोला जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक संस्थानों में से शामिल जो है IIT, वो UAE में अपना शाखा खोलने वाला है देश के बाहर। ठीक है, अब IIT की स्थापना जो है वह भारत और UAE के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसी के आधार पर किया जा रहा है। 2021 में यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और 18 फरवरी 2022 को भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी साइन हुआ है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2024, 2025, 2026 या फिर 2030। आंसर क्या हो जाएगा? 2026 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है कि किस मंत्रालय की पहल है, तो शिक्षा मंत्रालय की यह पहल है। ठीक है, और नई योजना जो है इसके तहत लाई जा रही है। 31 मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है और नया चरण होगा इसका, और इसके लिए 12,929.16 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जिसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का है, बड़ा हिस्सा 8,120.97 करोड़ और राज्यों का हिस्सा जो होगा वो 4,008.19 करोड़ रुपए होगा। और इस योजना के नए चरण के तहत 1600 परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी। ठीक है, और यह जो होगा एक केंद्र प्रायोजित योजना होगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, ये याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इज वर्किंग इन अ मिशन मोड टू फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विद एन एम टू अचीविंग द गोल्स ऑफ इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और एक्सीलेंस। तो यहाँ पर जो है समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के जो संस्थान है या फिर विश्वविद्यालय है, कॉलेजेज हैं, उनको फिनांस दिया जाता है, वित्त पोषण दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, यह जो है योजना शिक्षा मंत्रालय की है जो कि 2026 तक जारी रहेगी। तो ये था हमारा टॉप 50 करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट था ये, इससे पहले भी दो पार्ट दिए जा चुके हैं, जाकर के जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मैं चंद्रवर्धन फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।